नमस्कार, सुशासनपुर देख रहे हैं आप, और यहीं आकर सुशासनपुर जो है 0 किलोमीटर हो जा रहा है। भारत लाइव का स्पेशल एपिसोड है जहां बिहार के विकास गाथा की जो है हम बात करते हैं, बिहार के नए चेहरे की बात करते हैं। चलिए, सत्ता बनी, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, वही नीतीश कुमार जो 2005 से लगातार बिहार को नई दिशा एवं दशा में जो है बिहार को लगातार ढालने की कोशिश में होता है। एक आर्टिस्ट होता है, एक मूर्तिकार होता है, जिस ढंग से एक मूर्तिकार अपनी पूरी शिद्दत से अपने मूर्ति को, अपने कला को जो है निखारने में लगा रहता है। और मूर्तिकार की खुशी जानते हैं किस बात में होती है? जब कोई आकर के बगल में आकर के ताली बजा दे और कह दे कि वाह क्या अद्भुत चीज़ बनाई है, तो मूर्तिकार पेट की भूख को भूल करके खुशी से अपना सारा जो तन बदन भिगो लेता है। नीतीश कुमार भी ऐसे ही मूर्तिकार के रूप में बिहार की नई दिशा और दशा को के लिए जब भी बात होगी, नीतीश कुमार की ही चर्चा होगी। बिहार में और साथ ही साथ देश में कृषि बिल को लेकर के एक गजब का एक माहौल बना हुआ है। सरकार कोशिश कर रही है किसानों के बीच जा करके भाजपा और भाजपा ने जो सरकार है, भाजपा के लोग हैं, समझाने में व्यस्त हैं किसानों को कि नहीं, ये आपके लिए फ़ायदा का चीज़ है, इससे आपको इस ढंग से फ़ायदा मिलेगा, इससे आपको इस तरीके से फायदा होगा, जो पुराने चीज़ों में नहीं थी ये इस नए बिल में मिलेगी। लेकिन इन सभी चीज़ों से इतर हटकर नीतीश कुमार ने एक नया गिफ्ट दे दिया है किसानों के लिए भी, एक नया गिफ्ट जो है, गिफ्ट का जो एक बम्पर उपहार टाइप से दरवाज़ा खोल दिया। नीतीश कुमार के कैबिनेट की आज फिर एक बैठक थी, जिस कैबिनेट में बहुत सारे निर्णय लिए गए। रोजगार सृजन पर तो लगातार नीतीश कुमार लगे हुए हैं। सुशील मोदी का एक सपना था रोजगार को लेकर के, उन्होंने 19 लाख नौकरियों की जो बात कर दी थी, 19 लाख रोजगार की जो बात कर दी थी, उस पर उसको उस भले ही सुशील मोदी अब केंद्र की राजनीति में चले गए हो, लेकिन नीतीश कुमार उनके मुँह से निकले हुए इस बात को, इस वाक्य को सार्थक करने में लगातार डटे हुए हैं। चलिए बताते हैं आज के इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ खास हुआ है, किसानों के लिए कौन सा गिफ्ट मिला है, आपके मन में उत्सुकता है ना, चलिए बताते हैं आपको। किसानों के लिए नीतीश कुमार ने SFC जो किसानों से बिहार में धान खरीद के लिए, वही MSP होगा, वही सारी चीज़ होगी, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने SFC को जो है, आपको बता दें कि 6000 करोड़ रुपये आज जारी कर दिए। उसको निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द तेजी ला करके धान की खरीद कर ली जाए, किसानों के आंगन में, खेत खलियानों में धान जो है इकट्ठा है। राज्य सरकार ने इसके लिए और नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है। SFC को निर्देश दिया गया है, 6000 करोड़ रुपए जो है इनके हाथों में थमा दिया गया है कि आप जो है जल्द से जल्द जा करके बिहार के जितने भी किसान भाई हैं जिनके खेत खलियानों में धान का टाल लगा हुआ है, आप उसे खरीद लें, उसे नकदी जो है उपलब्ध करा दें, ताकि उनके परिवार का जो है भरण पोषण नगद पैसे से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। चलिए, इसके साथ ही बताते हैं, इसके अलावा 14 एजेंडे पर जो है सरकार ने मुहर भी लगाई है, इसमें बहुत सारी बात है। राज्य में, बिहार राज्य में बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली जो है 2020, उसको भी स्वीकृति दे दी है नीतीश कुमार ने। इससे क्या क्या होगा, एलोपैथी जो चिकित्सा करते हैं उनके लिए जो है बीमा योजना जो है, उसके लिए जो क्या कुछ नियमावली होगा, उसके लिए नीति सरकार ने स्वीकृति दे दी है, ताकि मेडिकल सुविधा में और जो डॉक्टर वगैरह जो लगे हुए हैं उनके लिए भी सुख सुविधाएं बढ़ाई जाए, ताकि उनका मनोबल लगातार बढ़ता जाए और बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में एक भी एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित कर सके। इसके साथ ही नीतीश कुमार के कैबिनेट ने बिहार में औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को भी जो है नीतीश कुमार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इससे क्या होगा, बिहार में एक औद्योगिक क्रांति जो लगातार चल रही है या फिर आने वाले समय में होगी, अब देखिए ना, औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक जो सेक्टर है उससे जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इससे रोजगार किस तरह से कनेक्टेड है, रोजगार जैसे ही औद्योगिक नवनिर्माण के कार्य होंगे उसी तरह रोजगार का भी ग्राफ बढ़ेगा, दोनों एक होता है, रेशियो होता है, देखा ना, एक कंसेप्ट है जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें है कि प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे औद्योगिक विकास होगा उसी तरह रोजगार के साथ में ही सेम रेशियो में दोनों चीज़ें बढ़ेंगी,
और नीतीश कुमार की कैबिनेट ने रोजगार को भी ध्यान में रखते हुए और बिहार के विकास को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को जो है मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ भवन निर्माण जो विभाग है उसके अंतर्गत आने वाले राज्य के विभिन्न विभागों, देखिए 24 पदों का भी जो है सृजन कर दिया गया है भवन निर्माण विभाग में, जिसके अंतर्गत राज्य में बहुत सारे भवन बनने हैं। और विकास का जो होता है कभी भी मानक माना जाता है तो यही भवन माना जाता है, पुल माना जाता है, अच्छी सड़क माना जाता है, पेयजल की व्यवस्था क्यों माना जाता है, बिजली को माना जाता है, शिक्षा व्यवस्था को माना जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं भवन निर्माण विभाग के लिए भी जो है 24 नए पदों का जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस बार मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ 3500 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना के लिए जो है मंजूर कर दी गई, यानी कि 3500 करोड़ रुपये तक के लिए जो है राज्य में पूरे ऋण का कारोबार होगा, इसके लिए नीतीश कुमार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अब देखिए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने तीसरी बैठक में बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में, यानी कि खरीफ वाला जो मौसम आ रहा है 2020 और 21 के जो साल के दौरान जो चलेगा उसमें बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नाबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्राप्त करने के संबंध में जो है बातें दे दी है। यानी कि जो सहकारी समिति वगैरह है और नाबार्ड वगैरह जो है इस तरह से बैंक से लोन ले सकती है, इसके लिए राज्य सरकार जो है 3500 करोड़ रुपए तक की जो ऋण की जो है गारंटी लेगी, इसके लिए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने मोहर भी लगा दी है। अब समझिए जैसे ही सहकारी समितियों का क्या काम होता है, कृषि के क्षेत्र में काम होता है, यानी कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के अन्नदाताओं को ध्यान में रखते हुए दो ताबड़तोड़ बड़े फैसले लिए। एक तो एक SFC जो है जिससे धान खरीद के लिए 6000 करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दे दी गई है, 6000 करोड़ रुपए उन्हें दे दिए गए हैं और कहा गया है कि जल्द से जल्द आप धान की खरीद कर लें। वहीं दूसरी ओर नाबार्ड और जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं बिहार में उनके लिए जो बैंक से लोन लेंगे उसके लिए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 3500 करोड़ रुपए की जो है ऋण जो होगी उसके लिए गारंटी लेने का निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं एक बार भाजपा भले ही किसानों को जा करके इस बात में रिझाने में, कृषि चौपाल कराने में व्यस्त हो, किसानों को बताने में व्यस्त हो कि किस तरह से आपके लिए नया कृषि नियम जो है फायदेमंद साबित होगा, लेकिन नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री जो है थोड़े कम मार्जिन से बने हैं, मुख्यमंत्री में पद पर जाने के लिए उन्हें 43 विधायकों का ही सपोर्ट मिल पाया अपनी पार्टी जदयू की ओर से, लेकिन नीतीश कुमार हित में, किसानों के हित में फैसला लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सुशासन पूर्ण 0 किलोमीटर में आज जो है बस यहीं तक रुकते हैं, यहीं विराम लेते हैं। 0 किलोमीटर पे हैं तो थोड़ा देर सुस्ताते हैं। मिलेंगे आपसे कल इसी तरह के एक एपिसोड में। कैसा लगता है आपको हमारा शो ज़रूर बताइए। और भारत लाइव आप ऐसे ही पसंद करते हैं, देखते रहिए भारत लाइव। आपका जो साथ है हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो वीडियो को यहीं देखने के बाद रुकिए नहीं, सुशासन पूर्ण देख रहे हैं तो जहाँ जहाँ लगता है कि सुशासन है वहाँ वहाँ फैलाइए वीडियो को। चलिए वीडियो फैलाइए और देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।